Good morning on this wintry morning in Kolkata. Today we are going to start with the topic regression analysis. Give the heading regression analysis. Earlier this we studied about correlation. What does correlation states? Correlation states the nature and extent of relationship between two variables. ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये हम लोग ने कोरिलेशन में पढ़ा. अब हम रिग्रेशन में क्या करेंगे, रिग्रेशन का कंसर्न क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर. ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप, टू एक्सप्रेस अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, बिटवीन द टू वेरिएबल्स in such a way that estimation of one variable bracket mein unknown, estimation of one variable bracket mein unknown can be obtained for a given value of another variable. For a given value of another variable. अगर आप real life example का बात करेंगे तो मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि height and weight. डॉक्टर क्या पूछता है, आपका height क्या है, उसके according आपका weight होगा, आपका weight के according आपका height होना चाहिए. ठीक है, तो दिस टू आर कोरिलेटेड. ठीक है, अच्छा, मैं तो बहुत फूडी हूँ, खाना मेरे को बहुत पसंद है, गाजर का हलवा कितने लोग के लिए बनेगा, उस हिसाब से क्या होता है, गाजर शुगर का रेशियो, मिल्क का रेशियो डिसाइड होता है. एक आदमी के लिए बनेगा तो इतना, दो आदमी के लिए बनेगा तो इतना. तो आप समझ रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल दैट इज अननोन विद द हेल्प ऑफ अदर नोन वेरिएबल. ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप का रिग्रेशन लाइन होता है, रिग्रेशन इक्वेशन होता है. रिग्रेशन इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स. Regression equation are of two types. एक आपका होता है y on x और दूसरा होता है x on y. एक आपका होता है y on x, दूसरा आपका होता है x on y. y on x में y is डिपेंडेंट एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट. इसमें वाई निकालना पड़ता है और एक्स गिवन रहता है और एक्स एंड वाई में ऑपोजिट होगा. एक्स इज डिपेंडेंट, y is independent. यहाँ पर आपको x निकालना पड़ता है और आपका y दिया हुआ रहता है. ठीक है, तो जो चीज हम लोग y on x के लिए सीखेंगे वही सेम कॉन्सेप्ट x on y के लिए है. तो हम लोग कोई भी एक सीख लेते अच्छे से. तो आप हेडिंग दीजिए, रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x. ये इक्वेशन होता है, y equals to a plus bx.
जहाँ पर ए और बी क्या है, दो कॉन्स्टेंट्स है, इसको रिग्रेशन पैरामीटर्स भी बोलते हैं, वेयर ए एंड बी आर टू कॉन्स्टेंट्स, वेयर ए एंड बी आर टू कॉन्स्टेंट्स एंड ऑल्सो नोन एज रिग्रेशन पैरामीटर्स. ये जो बी है इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोला जाता है वाई ऑन एक्स का, जिसको बी वाई एक्स से भी डिनोट किया जाता है. बी वाई एक्स, बी वाई एक्स से भी डिनोट किया जाता है, इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं हम लोग. दो रिग्रेशन लाइन है ना, तो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा, एक बी वाई एक्स होगा और एक बी एक्स वाई होगा. ये इक्वेशन आया कैसे, ये वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स वाला इक्वेशन आया कैसे? ये आपका आएगा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से. दिस विल डिराइव फ्रॉम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. ठीक है, तो ये ए और बी निकालने का कुछ तो वो होगा, ये फॉर्मूला है, ए बी ऐसे निकलता है. लिखो, ए द पैरा रिग्रेशन पैरामीटर्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस, रिग्रेशन पैरामीटर्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस, विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस, विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस. ये नॉर्मल इक्वेशन है, समेशन वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स, समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर. समेशन वाई इक्वल्स टू एन इंटू समेशन एन इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स, समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर. इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस. क्या बोलेंगे हम लोग इसको, नॉर्मल इक्वेशंस. ठीक है, उस सिचुएशन में एक्स ऑन वाई, अभी लिखना मत कुछ, एक्स ऑन वाई वाले में नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगा, समेशन एक्स इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन वाई एंड समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए इंटू समेशन वाई प्लस बी इंटू समेशन वाई स्क्वायर. जो बोले ना, जो वाई ऑन एक्स के लिए वही सेम चीज क्या होगा, एक्स ऑन वाई के लिए भी होगा. ये बी वाई एक्स का फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर बी वाई एक्स. ये जो फॉर्मूला है ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है. पहला फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई बाई एच डी स्क्वायर एक्स, मतलब वेरियंस ऑफ एक्स, इसका मतलब वेरियंस ऑफ एक्स होता है. और इसका दूसरा फॉर्मूला है आर इंटू एच डी वाई बाई एच डी एक्स, आर इंटू एच डी वाई बाई एच डी एक्स. इसका दूसरा फॉर्मूला है आर इंटू एच डी वाई बाई एच डी एक्स. ठीक है, अब रिग्रेशन इक्वेशन फॉर्मूला लिखो, वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार. रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला लिखो, वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार. ये वाई ऑन एक्स का ही है फॉर्मूला. अब बी वाई एक्स का और एक दो फॉर्मूला होता है, वो भी लिख लो. देखो, न्यूमरेटर अगर हम लिखेंगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या लिखे हैं. सर, ये न्यूमरेटर क्या चीज़ का था, कोरिलेशन में सेम न्यूमरेटर था आर निकालने के लिए, तो बी वाई एक्स निकालने के लिए न्यूमरेटर सेम होगा, खाली डिनोमिनेटर में
रूट नहीं रहता है। कॉपी करो इसको, वी वाई एक्स इक्वल्स टू एन इंटू समेशन एक्स वाई, एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाई एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू समेशन यू वी माइनस समेशन यू इंटू समेशन वी बाई एन इंटू समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू का होल स्क्वायर, एन इंटू समेशन यू वी माइनस समेशन यू इंटू समेशन वी बाई एन इंटू समेशन यू वी बाई एन इंटू समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू का होल स्क्वायर। अब यू का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस ए एक्स, यू का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस ए एक्स, है ना। एक और फॉर्मूला क्या होगा, ये नॉर्मल मेथड, ये डेविएशन मेथड है, मीन मेथड, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये मीन मेथड हो गया, वो सब डेफिनेशन वगैरह, ये तो नॉर्मल नॉर्मल मेथड, जब एक्स एंड वाई से हम डायरेक्टली करते, जब डेविएशन निकालते तो ये मेथड, और फिर तुम्हारा नॉर्मल मेथड, मीन मेथड। तो डेफिनेशन ऐसे ही हो, तो यही सब चीज़ से तो आया है वो, तो तुमको जो डेटा दिया रहेगा एग्जाम में वो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अब हेडिंग दो, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, हम लोग लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू सी प्लस डी वाई, सी प्लस डी वाई, वे सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट्स known as regression parameters, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी एक्स वाई बोलते हैं ना, ठीक है। तो बी एक्स वाई का पहले तुम नॉर्मल इक्वेशन लिख लो, इसका नॉर्मल इक्वेशन लिख लो पहले, समेशन वाई सॉरी समेशन एक्स होगा ना, समेशन एक्स इक्वल्स टू एन इंटू ए एन इंटू सी प्लस डी इंटू समेशन वाई एंड समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी इंटू समेशन वाई प्लस डी इंटू समेशन वाई स्क्वायर प्लस डी इंटू समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, सबका न्यूमरेटर सेम रहता है, जो बाद में आता है ना वो नीचे रहता है, तो ये एच डी स्क्वायर वाई हो जाएगा, आर इंटू आर इंटू एच डी एक्स बाई एच डी वाई, आप देखोगे इस चैप्टर में गौर करोगे अगर, तो सबका न्यूमरेटर सेम है। अब यहाँ पर भी ये तीनों फॉर्मूला में न्यूमरेटर सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये वी स्क्वायर, और यहाँ पर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। चलो करो, n इंटू
summation x y minus summation x into summation y by n into summation y square minus summation y का होल स्क्वायर, या फिर और एक फॉर्मूला क्या होगा, n into summation u v minus summation u into summation v by n into summation v square minus summation v का होल स्क्वायर और summation x minus x bar into y minus y bar by summation y minus y bar का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या क्या हो गया, एक आपका क्या हो गया बी वाई एक्स, तो हाउ मेनी रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्वेश्चन बनाओ, हाउ मेनी रिग्रेशन कोएफिशिएंट, आंसर होगा टू। हाउ मेनी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, आंसर होगा टू। क्या क्या, वाई ऑन एक्स का, बी वाई एक्स और x on y का bxy। ठीक है, चलो क्वेश्चन कॉपी करो। यहाँ पे दोनों इक्वेशन निकालना है, हाउ मेनी रिग्रेशन इक्वेशन आर देयर, टू। दिस विल बी अ मास्टर क्वेश्चन। हाउ मेनी रिग्रेशन इक्वेशन आर देयर, टू। तो यहाँ पर बोला है फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन, मतलब पहले हम लोग को वाई ऑन एक्स निकालना है, फिर हम लोग को एक्स ऑन वाई निकालना है। ठीक है, जब y निकालने बोल रहा है तब ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, और जब x निकालने बोल रहा है तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, x एंड y कॉपी करो, x एंड y कॉपी किया, लिखो क्वेश्चन वन, ये क्वेश्चन नंबर वन है, इसका पार्ट वन लिखो, फाइंड टू रिग्रेशन इक्वेशन, इसका पार्ट टू लिखो, फाइंड वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू थर्टीन, और पार्ट थ्री लिखो, एस्टिमेट एक्स व्हेन वाई इक्वल्स टू फिफ्टीन, एस्टिमेट एक्स व्हेन वाई इक्वल्स टू फिफ्टीन। तो पहले हम लोग पार्ट वन करेंगे, हेडिंग दो पार्ट वन, कंप्यूटेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस, टेबल का हेडिंग होगा कंप्यूटेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, टेबल बनाओ। ये दोनों तो गिवन रहेगा, एक्स एंड वाई गिवन है, ये नॉर्मल मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग नॉर्मल मेथड, एक्स एंड वाई गिवन रहेगा, आपको निकालना है एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एंड सबका टोटल करना है आपको, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। उसके बाद हम लोग को चाहिए रहता है एक्स बार और वाई बार। दिस इज कमिंग टू दिस, उसके बाद हम लोग को चाहिए रहेगा एक्स बार एंड वाई बार।
एक्स बार एंड वाई बार निकालने के बाद आपको निकालना है पहले बी वाई एक्स। फॉर्मूला है एन, एन इज सिक्स इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाई एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो मीन तो चाहिएगा ना, इक्वेशन कैसे बनता है? रिग्रेशन इक्वेशन वाई माइनस वाई बार सिखाया था ना, वाई माइनस वाई बार, तो मीन तो चाहिएगा ही हम लोग को। इक्वेशन में ही है ना, वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तीन चीज निकलते हैं, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बस बी वाई एक्स का कैलकुलेशन करो। सिक्स इंटू थ्री फिफ्टी वन माइनस 34 इंटू 56 न्यूमरेटर कितना आ रहा है? 2 0 2 0 2 और डिनोमिनेटर 0.81 इज द आंसर ऑफ बी वाई एक्स। चलो सिमिलरली बी एक्स वाई निकालो, हमको पता है न्यूमरेटर सेम होगा, हमको पता है न्यूमरेटर सेम होगा। नीचे क्या आएगा? वाई स्क्वायर का एन के साथ मल्टीप्लाई माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का न्यूमरेटर सेम होता है। कितना है? 188। वन पॉइंट जीरो सेवन। ठीक है, डन। अब वाई और एक्स का इक्वेशन बनाएंगे, वाई माइनस वाई बार। वाई बार कितना है देखो, 9.33। y माइनस y बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस y बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। सॉल्व करो इसको, 0.81x हाँ, ये जो माइनस 9.33 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
कैलकुलेटर में करूं, 0.81 इंटू 5.67 कितना आ रहा है, 4.5927 प्लस 9 माइनस 9.33 कितना आ रहा है, 0.81x + 4.71 क्लियर। अब एक्स ऑन वाई निकालना है तो एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस y बार, x माइनस x बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, तो क्या आएगा, और x इक्वल्स टू 1.07 y, करो 9.33 इंटू 1.07 माइनस 5.67 कितना आ रहा है, 4. तो दोनों इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन आ गया। हाँ दोनों इक्वेशन आ गया ना, अब पार्ट टू में आ जाओ। पार्ट टू में क्या किसका वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है ना, तो क्या यूज़ करेंगे, वाई ऑन एक्स, तो क्या इक्वेशन था, वाई इक्वल्स टू 0.81x प्लस कितना था, 4.71 प्लस में था ना, बस कर लो। एक्स वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 13 और वाई इक्वल्स टू 0.81 इंटू 13 प्लस 4.71 करके बताओ कितना आ रहा है। फिफ्टीन पॉइंट टू फोर थर्ड पार्ट क्या बोला है, एक्स का वैल्यू निकालना है ना, क्या यूज करेंगे, एक्स ऑन वाई, इक्वेशन क्या था, एक्स इक्वल्स टू 1.07 वाई माइनस 4.31 पुटिंग एक्स, वाई इक्वल्स टू क्या, पुटिंग वाई इक्वल्स टू 15 तो x इक्वल्स टू 1.07 इंटू 15 माइनस 4.31 11.74 ठीक है, क्लियर है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
यही तो, इसको और इसको मल्टीप्लाई किए, ये माइनस में था, इसको वहां शिफ्ट करोगे तो प्लस में होके तो ये आ रहा है नेट इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू, वी आर गोइंग टू यूज डेविएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर टू, वी आर गोइंग टू यूज डेविएशन मेथड। तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स को एक्स मान रहे हैं, इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे। रिग्रेशन लाइंस पूछा है, मतलब दोनों। ये तो मेरा पहला पार्ट हो गया। और मैथ्स में अगर 90 आया, मतलब एक्स गिवन है, वाई पूछ रहा है, मतलब सेकेंड पार्ट में हमको वाई और एक्स यूज़ करना है। सेकेंड पार्ट में हमको वाई और एक्स यूज़ करना है। देखो पहला वाला सब में डेटा छोटा था, तो हम लोग क्या यूज़ किए, नॉर्मल मेथड यूज़ किए। इस वाले सब में डेटा बड़ा है, तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, डेविएशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही किया है, यूवी निकाला है, यूवी निकाल के यूवी यू स्क्वायर वी स्क्वायर निकाला। ठीक है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, 3 3 6 2 8, तो एक्स बार तो निकल जाएगा 595/8 करके, और वाई बार भी वही होगा 595/8 करके। बी वाई एक्स का फॉर्मूला लगाओ जो लिखा है, और बी यू वी का फॉर्मूला लगाओ। चलो ये सब को करो फटाफट। फटाफट ये सम करिए आप। यहाँ पर 74 मेरा हो गया है अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ एक्स, और 76 मेरा हो गया अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ वाई। एक्स माइनस ए एक्स, वाई माइनस ए वाई। करिए आप, यूवी निकालिए, यूवी यू स्क्वायर वी स्क्वायर, एक्स बार निकाल लीजिए, वाई बार निकाल लीजिए। उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम नॉर्मल करो ना अपना। 595/874 तो नहीं आएगा बेटा। तुम 74.37 ही लेना है यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम वो कुछ भी ले सकती हो, कोई भी वैल्यू ले सकती हो, यू कैन अज्यूम एनी वैल्यू। हाँ तुम्हारा ही अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स का मतलब क्या हो गया, अज्यूम्ड मीन, तुम्हारे हिसाब से ये मीन है। एंड अज्यूम मीन का मतलब क्या हो गया, एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। हाँ, क्यों नहीं रख सकते हैं, बट अभी जैसे दिया वैसे करो। कैलकुलेशन करना होगा ना, इसीलिए
आपका बी यू वी बी वाई एक्स आना चाहिए, ये और बी एक्स वाई आना चाहिए ये। चलिए फटाफट कैलकुलेशन करिए, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का फॉर्मूला लगा करके फटाफट आप कैलकुलेशन करिए। इक्वेशन बनाइए y on x का, y माइनस y बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, फिर x on y का इक्वेशन बनाइए, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई, y माइनस y बार तो ये आ रहा है मेरा। अब इसको पार्ट टू में यूज़ करके एक्स की जगह 90 पुट करिए, बताइए वाई का आंसर क्या आ रहा है। दिस इज़ द इक्वेशन डेराइव्ड आफ्टर यूजिंग द फॉर्मूला। तो 1.406 आपका जो भी आ रहा है पुट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। स्टेप्स क्लियर है, मेथड क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 92 आएगा आपका, तो मार्क्स वगैरह फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो जो भी नियरेस्ट होगा उसमें राउंड ऑफ कर दीजिएगा। मार्क्स राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट वैल्यू। फिर इक्वेशन निकाल के पार्ट टू में पुट कर देंगे। पार्ट टू में एक्स वैल्यू दिया हुआ 90, ये इक्वेशन आएगा 90। वाई का नहीं, इसमें एक ही है, दो ही पार्ट है सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में बहुत बार। आपको मीन दे दिया है ए बी का, मतलब ए को हम लोग एक्स मान रहे हैं, बी को हम लोग वाई मान रहे हैं। तो आपको x बार पता है और y बार पता है, और एच डी एक्स पता है, एच डी वाई पता है, और आपको कोरिलेशन मतलब r दे दिया है। कोरिलेशन मतलब आपको r दे दिया है, a का प्राइस निकालने बोला है जब b दिया हुआ है, और b का प्राइस निकालने बोला है जब a दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, पहले बी वाई एक्स निकालो। चलो क्या फॉर्मूला है, आर इंटू एच डी वाई बाई एच डी एक्स, बताइए कितना आएगा। 0.48 इंटू 6.3 बाई 5.6, 0.48 इंटू 6.3 बाई 5.6 कितना आएगा बताइए। जीरो पॉइंट फाइव फोर। अब बी एक्स वाई निकालिए, ऐसे ही चलिए। 0.48 इंटू 5.6 बाई 6.3 पॉइंट, ठीक है। चलिए अब वाई ऑन एक्स का इक्वेशन निकालते हैं, वाई माइनस वाई बार दैट इज 58
equals to by x, x minus x bar, y minus y bar. तो इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, y equals to 0.54x ये आ रहा प्लस 34.24, ये मेरा इक्वेशन हो गया पुटिंग, इसमें वाई निकालना है ना, एक्स इक्वल्स टू 50, दैट इज प्राइस ऑफ ए, हमको मिल जाएगा वाई, प्राइस ऑफ बी 0.54 इंटू 50 प्लस 34.24, 61.24 आएगा. प्लस 58 हो जाएगा. अब x और y, x माइनस 44 इक्वल्स टू 0.42, y माइनस 58, तो 0.42 इनटू 58 माइनस 44, तो x इज इक्वल्स टू 0.42 y प्लस 19.64. अब यहाँ पर पुटिंग y इक्वल्स टू 60, दैट इज प्राइस ऑफ b, तो x आ जाएगा 0.42 इंटू 60 प्लस 19.64, 44.84. दिस इज मेरा प्राइस ऑफ, दिस इज मेरा प्राइस ऑफ a. फाइंड एन अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन बोल रहा है, एडवर्टीजमेंट दिया, सेल्स दिया है, ठीक है. तो सबको पता है कि सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, मतलब वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स,
मतलब क्या निकालना है हम लोग को, y on x, तो इसको x मानो, इसको y मानो, चलो सॉल्व करो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। x y का कॉलम बनाओ, x और y का कॉलम बनाओ, x स्क्वायर y स्क्वायर x y, x स्क्वायर y स्क्वायर x y, और फिर तुम निकालेगा x बार, निकालेगा y बार, और निकालेगा b y x। दिस इज द फॉर्मूला फॉर b y x। x बार आपका आएगा 11 22.60, बी वाई एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। x का टोटल आएगा 55, एक्स वाई का टोटल आना चाहिए आपका 1284 टोटल। क्यों, क्या कितना आ रहा है, बी वाई एक्स 1.46, हम लोग दो डेसिमल प्लेस तक लेंगे, 1.46 इज द बी वाई एक्स। तो अब वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, और y इक्वल्स टू 1.46x को सॉल्व करने से आएगा मेरा 6.54 कितना आ रहा है, ठीक है, चलिए आप हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस। सबसे पहला प्रॉपर्टी आप लिखेंगे द टू रिग्रेशन लाइंस ऑफ रिग्रेशन, द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट और एट देयर मीन्स, इसका मतलब होता है एट देयर मीन्स,
अगर हम लोग वाई ऑन एक्स का जो इक्वेशन है और एक्स ऑन वाई का जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे फॉर एक्स एंड वाई, तो ये जो एक्स एंड वाई का जो आंसर आएगा दे आर एक्चुअली एक्स बार एंड वाई बार. अगर हम लोग दो रिग्रेशन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा एक्स एंड वाई का वो मेरा क्या आएगा, एक्स बार एंड वाई बार. द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट ईच अदर एट देयर मीन्स. ठीक है, पक्का. उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. मतलब r इज इक्वल्स टू रूट ओवर प्लस माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर r इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. तो सर प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? अब यहां पर एक नोट दो, साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट शुड ऑलवेज बी सेम, साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स शुड ऑलवेज बी सेम. या तो दोनों प्लस में आएगा या तो दोनों माइनस में आएगा. साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स शुड ऑलवेज बी सेम, या तो दोनों प्लस में आएगा या दोनों माइनस में आएगा. फिर एक नोट लिखो, इफ दे आर नेगेटिव आर वुड बी नेगेटिव एंड इफ दे आर पॉजिटिव आर वुड बी पॉजिटिव. इफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट r negative then r would be negative, if regression coefficients are positive then r would be positive. तो अभी तक दो प्रॉपर्टी सीखा, क्या कि दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, और फिर mean of regression coefficients are what, correlation coefficient. थर्ड प्रॉपर्टी, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बट चेंज्ड ड्यू टू योर शिफ्ट ऑफ स्केल. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, और शिफ्ट ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, इनटू डिवाइड. रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. अनचेंज मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है चेंज ऑफ ओरिजिन से. Remain unchanged due to a shift of origin, but changed due to a shift of scale. दो इक्वेशन दिया रहेगा, u और x के टर्म में, v और y के टर्म में. तो u को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में और v को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, x माइनस a बाई p के फॉर्म में, और v को एक्सप्रेस करेंगे y माइनस c बाई q के फॉर्म में. ध्यान से, अब जब b y x, तो बी वाई एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू बाई पी. वाई एक्स है ना, तो वाई वाला ऊपर रहेगा एक्स वाला नीचे रहेगा, इंटू बी वी यू. तो बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, उल्टा पी बाई क्यू इंटू बी यू वी. Very important. B y x equals to q by p into b v u, and b x y equals to p by q, p by q into b u v. लेकिन सबसे important क्या है, equation को कैसे express करना है, u equals to x minus a by p के form में, और v को एक्सप्रेस करना है y माइनस c बाई q के फॉर्म में. देखो क्वेश्चन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या बोला, ध्यान से देखो. u इक्वल्स टू 3x, सॉरी
u प्लस 3x इक्वल्स टू 10, यही बोला है ना, तो हम क्या लिखेंगे, u इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 10, बट हमको क्या चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए हमको x, तो u इक्वल्स टू माइनस 3 में कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच रहा है, x माइनस ऑफ 10 बाई 3, क्योंकि यहां पे तो बाई 3 था, यहां पे तो 3 था नहीं ना, तो बाई 3 करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, x माइनस 10 बाई 3 बाई माइनस 1 बाई 3, दिस इज हाउ यू, तो ये मेरा क्या, u इक्वल्स टू x माइनस a बाई p, तो ये मेरा क्या हो गया p, सिमिलरली ये मेरा क्या हो गया q, निकाल लो फिर bvu, ठीक है करो इसको, क्या आया, क्या क्या दिया हुआ तुमको, 2y प्लस इक्वल्स टू, हाँ तो 5v इक्वल्स टू माइनस 2y प्लस 25, तो v इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमन ले लो, तो y माइनस 25 बाई 2 बाई 5, और v इक्वल्स टू y माइनस 25 बाई 2 बाई माइनस 5 बाई 2, ठीक है फिर ये वाला पुट कर लेना, थोड़ा फटाफट करो,
ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। फॉर द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है और सबसे पहले निकालने बोला है अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, जो कि बहुत सिंपल है, दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा। और दूसरा में बोला है बताइए वाई ऑन एक्स कौन सा है। तो पहले आप दोनों इक्वेशन कॉपी करिए, पहले आप दोनों इक्वेशन कॉपी करिए और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का कोशिश करिए। पहले आप दोनों इक्वेशन कॉपी करिए और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का कोशिश करिए। 7x-3y = 18, ये पहला इक्वेशन है, और 4x-y = 11, ये दूसरा इक्वेशन है। फटाफट सॉल्व करिए इसको, पहला वाला को इनटू 1, दूसरा वाला को इनटू 3 करके फिर सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो -5 = -15, तो x वैल्यू आ गया 3। अब पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन द ओरिजिनल क्वेश्चन, तो x का वैल्यू 3 आएगा और x को जब पुट कर देंगे 3 ओरिजिनल इक्वेशन में तो मेरा y 1 आ रहा है। तो x एंड y का जो वैल्यू है वही x बार एंड y बार का रेस्पेक्टिवली वैल्यू है। ठीक है, सेकंड पार्ट ध्यान से पहले सुनेंगे आप लोग, फिर आप लोग कॉपी करिए, खुद से करिए, वो आपके ऊपर है। जब भी दो इक्वेशन दिया रहता है और हमको बोलता है वाई ऑन एक्स बताइए कौन सा है, तो हम कैसे पता करेंगे? हम तो ये नहीं बोल सकते पहला वाला है दूसरा वाला है, मेरे को तो प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ का दो कंडीशन होता है, पहला आप अजम्पशन लेंगे कि कोई भी एक इक्वेशन को y on x मानेंगे और जो बचा हुआ इक्वेशन है उसको x on y मानेंगे। ठीक है, तो y on x को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, y equals to a plus bx के फॉर्म में, और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, x equals to c plus dy के फॉर्म में। b का मतलब क्या हो गया, बी वाई एक्स, और डी का मतलब क्या हो गया, बी एक्स वाई। हाँ, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करते हैं तो क्या आता है, कोरिलेशन, और कोरिलेशन क्या नहीं हो सकता, वन से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब जो पहला कंडीशन चेक करना है वो ये है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का साइन सेम हो, और दूसरा इसका प्रोडक्ट लेस देन इक्वल्स टू 1 हो। ठीक है, पहले ये कॉपी करिए आप, अजम्पशन वाई ऑन एक्स, पहला इक्वेशन को वाई ऑन एक्स मान लो और अदर इक्वेशन को एक्स ऑन वाई। तो वाई ऑन एक्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम लोग, वाई ऑन एक्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम लोग, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स वाले फॉर्म में वाई ऑन एक्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स वाले फॉर्म में, और x on y में x equals to c plus g y, जहां पर b और d क्या होगा, b y x और b x y,
जहां पर बी और डी क्या होगा, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों का साइन सेम होना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वन. ठीक है, तो देखो ये लोग क्या किया, पहला वाला को वाई ऑन एक्स माना है, दूसरा वाला को एक्स ऑन वाई माना है, करेक्ट. तो तुम ये लिख करके इसके ये लिखो, तो जो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो मेरा क्या होता है, बी वाई एक्स, और यहां पर जो y का जो कोएफिशिएंट हुआ वो मेरा क्या हो गया, बी एक्स वाई. करो दोनों का साइन सेम है, पता है अगर दोनों का साइन सेम नहीं हुआ ना, द अबव इक्वेशन आर नॉट अ रिग्रेशन इक्वेशन, साइन सेम होना ही पड़ेगा उसका. ठीक है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए लेस देन वन आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए लेस देन वन आ रहा है, इसका मतलब पहला वाला इक्वेशन क्या है, y ऑन x है. इसका मतलब पहला वाला इक्वेशन क्या है, y ऑन x है. लेस देन वन आया ना, इसका मतलब मेरा अजम्पशन राइट है. तुमको तो यही पूछा था ना, y ऑन x इक्वेशन कौन सा है, तुम तो पहला वाला इक्वेशन को अजम्पशन लिए थे y ऑन x का. हम तो पहला वाला इक्वेशन को अजम्पशन लिए थे y ऑन x का. ठीक है, अब r स्क्वायर पता है ये है, इसको रूट कर दो तो r का आंसर आ जाएगा, और बाहर में साइन कौन सा होगा, प्लस का. क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस है. 7 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू रूट, यही मेरा आंसर हो जाएगा. 7 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू रूट. बच्चा लोग गलती क्या करता है, 7 डिवाइड बाई 12 रूट टिप देता है. क्योंकि मेरा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ना, दोनों उसका साइन सेम है. तो रिवर्स करके चेक करते हैं, पहला वाला को x ऑन y मानते हैं, दूसरे वाले को y ऑन x मानते हैं. दो ही तो केस बन सकता है, दो इक्वेशन है ना, तो ये क्या हो सकता है, दो ही तो केस बनेगा, या तो पहला वाला y ऑन x, दूसरा वाला x ऑन y, या उसका रिवर्स. तो पहला वाले में सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरे वाले में चेक करेगा. ठीक है, आर का आंसर आया क्या, सेवन डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू रूट. कितना आ रहा है, अब बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है क्वेश्चन में, हमको बी वाई एक्स तो निकाल लिया हम लोग, आर निकाल लिया, एस जी एक्स गिवेन है, एस जी वाई निकाल लो.
ठीक है, अब पॉपुलेशन एरर का मतलब लिख लो, पॉपुलेशन एरर का मतलब लिख लो, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का पॉपुलेशन निकालने के लिए हम लोग को प्रोबेबल एरर निकालना पड़ता है, 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रूट ओवर एन, यहाँ पर एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रोबेबल एरर हम लोग को चाहिए रहता है मेथड ऑफ ऑप्टेनिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं टू पी इक्वल्स टू टू थर्ड ऑफ एस ई, पी इज इक्वल टू टू थर्ड ऑफ एस ई स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है वन माइनस आर स्क्वायर बाई रूट ओवर एन, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, आर प्लस माइनस पीई, अपर लिमिट पूछेगा तो प्लस कर देना कोरिलेशन से, लोअर लिमिट पूछेगा तो माइनस कर देंगे, लिमिट ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इक्वल्स टू आर प्लस माइनस पीई, आर प्लस माइनस पीई, आर प्लस माइनस पीई। और एक बहुत ही अच्छा बात है, अपर लिमिट के लिए क्या करोगी प्लस और लोअर लिमिट के लिए माइनस, ठीक है। अब लिखो अजम्पशंस व्हाइल पी आर सिग्निफिकेंट, अजम्पशन व्हाइल पी आर सिग्निफिकेंट, assumption while p is significant, अगर r का वैल्यू लेस देन होता है तो देर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन। सेकेंड पॉइंट का मतलब ये है, इफ r इज मोर देन 6 टाइम्स p, और प्रोबेबल एरर कभी नेगेटिव नहीं होता है, if r is less than p there is no evidence of correlation, if r is greater than 6 times p then the presence of correlation coefficient is certain, the presence of correlation coefficient is certain, aur probability error kabhi negative nahi hota hai। Certain, हाँ, less than होने से there is no evidence of correlation। चलो फटाफट क्वेश्चन देखो, ये ला n दिया हुआ 25, r दिया हुआ 0.8, n दिया हुआ 25, r दिया हुआ 0.8, तो p निकाल लेते हैं। चलो हम लोग 0.6745 into 1 minus 0.8 का square by root over 25, कितना रहा देख लो, 0.6745 into 0.36 by 5, ठीक से करो, तो 0.6745 into 0.36 divided by 5 कितना आ रहा है,
0.048, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर 0.7 है, आर 0.7 है, एन 64 है. पहले पी निकालो फिर आगे बताएंगे. पहले पी निकालो, पी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 - 0.7 का स्क्वायर बाय रूट ओवर 64 इंटू 0.6745. कितना आ रहा पी, 0.7 का स्क्वायर कितना होगा, 40.49 होगा. तो 1 - 0.49 करो कितना होता है, 0.51 होता है, डिवाइडेड बाय 8. रूट ओवर 64 तो 8 होता है, हम बिना कैलकुलेटर के कर दे रहे हैं. करो 0.51 डिवाइड बाय 8 इनटू 0.6745 कितना है, 0.0429 है, तो 443 लेंगे. तो अब लिमिट निकालना है हम लोग को. तो अपर लिमिट क्या होगा, 0.7 प्लस 0.043, और लोअर लिमिट क्या होगा, 0.7 माइनस 0.043, और लोअर लिमिट होगा तुम्हारा 0.7 माइनस 0.043. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख लो, नोट डाउन कर लो. द बेस्ट मेजर ऑफ कोरिलेशन इज प्रोवाइडेड बाय पियर्सन्स कोएफिशिएंट, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं. द बेस्ट मेजर ऑफ कोरिलेशन इज प्रोवाइडेड बाय पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट. और एक बार ध्यान से देखना कि ये जो पियर्सन, जो अंडरलाइन करो, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट अंडरलाइन करके लिखो अप एरो दे करके, एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. एप्लीकेबल, ये जो पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ए लीनियर रिलेशनशिप. बोले थे लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप. और एक बात लिख लो, इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट और अनकोरिलेटेड, कॉमा आर इक्वल्स टू जीरो, R equals to 0, ठीक है. अब लिखना है from the above statement we can conclude that no linear relationship exists between the two variables. No linear relationship exists between the two variables. No linear relationship exists between the two variables.
However, it does not rule out the existence of some non-linear relationship between the two variables. However, it does not rule out the existence of some non-linear relationship between the two variables. However, it does not rule out the existence of some non-linear relationship between the two variables. ठीक है, एक example हम लोग ले सकते हैं इसका, y equals to x square, y equals to x square, इसमें अगर तुम Pearson का formula apply करोगी, तो r का value आएगा 0, y equals to x square, मैं अगर Pearson का formula apply करेंगे, तो r का value 0 आएगा, इसका मतलब कोई relation नहीं होना चाहिए, but हम लोग तो साफ साफ देख रहे हैं, कि यहाँ पर रिलेशन है, यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है? अब r square का फॉर्मूला लिख लो, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, या परसेंटेज अकाउंटेड फॉर coefficient of determination या फिर इसको बोला जाता है percentage accounted for, ठीक है, explained variance by total variance या simply r square, तो इसका formula क्या हो जाएगा, percentage accounted for का r square into 100, परसेंटेज अकाउंटेड फॉर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इनटू 100, आर स्क्वायर इनटू 100, नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर, और एक फॉर्मूला क्या हो सकता है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस, unexplained variance by total variance, unexplained variance by total variance, unexplained variance by total variance, और एक बात क्या बोल सकते हैं, percentage not accounted for, 1 minus r square into 100, percentage non accounted for, ठीक है, जैसे correlation क्या था, correlation किसके लिए था, linear के लिए था, लेकिन regression ऐसा नहीं है, regression में linear curvilinear दोनों ही चलता है, ठीक है, तो ये line बहुत important है, unlike correlation regression can be applied for any type of relationship like linear as well as curvilinear. Unlike correlation, regression analysis can be applied for any type of relationship. Regression analysis can be applied for any type of relationship, linear as well as curvilinear, linear as well as curvilinear, linear as well as curvilinear. A very important note बोल के लिखना, ये R होगा, इससे दो arrow निकाल लेना, एक में लिखना +1/-1, और एक में लिखना 0, +1/-1 और एक में लिखना 0, तो r जब +1 या -1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव होता है, रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब सेम, ठीक है, तो लिख लो बगल में, रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड,
और जीरो के बगल में क्या लिखेगा? रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन.